नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंशु। इसी कलयुग में कलयुग जाने और सतयुग आने की भविष्यवाणी करने वाले विश्व विख्यात बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी आने वाले खराब समय में लोगों की जान बचाने में लगे। अपने प्रेमियों भक्तों को भी वैचारिक क्रांति से लोगों को शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त बनाने की प्रेरणा देने वाले वर्तमान के पूरे समर्थ त्रिकालदर्शी अंतर्यामी संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी ने तपस्वी भंडारा कार्यक्रम में 28 मई सायकाल उज्जैन आश्रम में दिए यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव UKM पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया। गुरु महाराज का यह संकल्प था, कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। तो सतयुग ऐसे नहीं आएगा, कलयुग जाने लगेगा तो थप्पड़ लगाएगा, बहुतों का खात्मा हो जाएगा। सोचो, जब सब मर जाएंगे तो सतयुग देखेगा कौन? इसलिए बचाने की जरूरत है। जब जानवरों का मांस खाओगे तो कैसे देखेंगे सतयुग? परमात्मा संतों को अच्छे बुरे की पहचान कुदरत के नियम कानून बताने के लिए भेजते हैं। मानव का फर्ज बनता है जिस देश में रहे उस देश के प्रति अपने हृदय में देशभक्ति रखें। कुदरत के नियम कानून को देखा, पढ़ा एवं सुना जा सकता है। तो गुरु महाराज का यह संकल्प था कि कलयुग में कलयुग जाए, कलयुग में सतयुग आवे। तो सतयुग जैसे नहीं आएगा, और सतयुग आएगा भी तो कलयुग जाने लगेगा तो थप्पड़ लगाएगा, बहुतों का वारा न्यारा हो जाएगा। कैसे भी मरें, धरती फटने से मरें, आसमान टूटने से मरें, सूखाकाल से मुखबरी से मरें, लड़ाई झगड़ा वार हो जाए उससे खत्म हो जाए, यानी समझो एठम बम परमाणु बम जंग हो जाए उसमें खत्म हो जाए, लेकिन आप ये समझो खत्म तो होने होना है। तो जब सब सोचो प्रेमियों, सब जब मर ही जाएंगे तो सतयुग देखेगा कौन? इसलिए बचाने की जरूरत है। आप संत के बंदे हो, संत के जीव हो, आपको उनको बचाने की जरूरत है। आप समझो कि गुरु की मौज जो हो, उस तरह का अगर आदमी काम करे, भक्त काम करे, प्रेमी काम करे, तो वो उनका प्यारा हो जाता है, उस पर दया ज्यादा हो जाती है। आपके चार बच्चे हैं तो जो आपके आदेश का पालन करता है, चारों खड़े हैं और कहा एक गिलास पानी ले आओ, तो तीन तो रुक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और एक दौड़ करके ले आया, तो आपका प्यारा हुआ कि नहीं हुआ? कहोगे ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत अच्छा काम करता है, तो आप उनके प्यारे हो जाओगे। आप ये समझो कि लोगों को सतयुग देखने के लायक अब बनाने की जरूरत है, और नहीं तो कलयुगी अगर रहेंगे तो कलयुग तो इनको ले जाएगा, रगड़ता हुआ ले जाएगा, चिल्लाते हुए ये जाएंगे। इसलिए आप इनको सतयुग के योग्य बनाओ, वहाँ जाओ, लोगों का प्रचार करो यहाँ से जाने के बाद, और उनके अंदर यानी शाकाहारिता लाओ। आप ये समझो कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसे होवे वाणी। देखो भीष्म पितामह योगी थे, लेकिन द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए थे। तो जब मरने लगे तो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, प्राण त्यागने का समय था, तो अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। कहते हैं कि ज्ञान जो भी हो वो बांटना चाहिए, दे देना चाहिए, और नहीं तो शरीर के साथ ही साथ हुनर्ज्ञान जो भी होता है वो सब चला जाता है। तो जब अच्छी अच्छी बात बताने लगे, उपदेश करने लगे, तो द्रौपदी ने हंस दिया। तो उन्होंने कहा क्यों हंसी द्रौपदी? बोले महाराज ऐसे ही हंस दिया। नहीं, तेरे हंसने में राज हुआ करता है, हंस करके तो द्रौपदी तूने इतना बड़ा महाभारत करा दिया, बोल क्यों हंस रही? तब वो बोली कि ये ज्ञान और ये बुद्धि उस समय कहाँ चली गई थी जब दुर्योधन मेरी चीर खींच रहा था, मुझे नंगा कर रहा था, तब आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? अब आप ज्ञान की बात कर रहे हो? तब उन्होंने इस बात को महसूस किया और कहा कि द्रौपदी तो ठीक कह रही, उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था। तो अन्न का इतना दोष हो सकता है? तो जब जानवरों का मांस और खून शरीर के अंदर आएगा तो सोचो आप बुद्धि सही रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी। यह कलयुग का जो अपराध है वो उनसे दूर होगा ही नहीं, अपराध वो बराबर करते ही रहेंगे। आप ये देखो कि ये जो
जानवर होते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है, बुद्धि उनके नहीं होती है, तभी तो किसी को मार देते हैं, हमला कर देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो जब वही बुद्धि रहेगी तब आप ये समझो कहाँ से वो सतयुग देख पाएंगे और कहाँ से आप सतयुग ला पाएंगे और कहाँ से आप गुरु के भक्त कहे जा पाएंगे, कहाँ से आप गुरु का भक्त बन पाएंगे। इसलिए प्रेमियों लोगों को समझाओ। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी। नमस्कार।